हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज के वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे अभी तो हम इसकी रीडिंग करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको इसका मीनिंग भी देती जाऊंगी एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन अ स्टूडेंट्स लाइफ नॉट ओनली इन अ स्टूडेंट्स लाइफ ये तो जिसके भी लाइफ में कह लो टाइम मैनेजमेंट आइए शुरू करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट इन स्टूडेंट्स लाइफ तो आज तो सिर्फ स्टूडेंट्स लाइफ के पहलू से ही इसको देखेंगे इम्पोर्टेंस मीन्स महत्व टाइम समय मैनेजमेंट इज प्रबंध करना इन स्टूडेंट्स लाइफ विद्यार्थी के जीवन में तो समय का ढंग से प्रबंध करना विद्यार्थी के जीवन में उसका क्या महत्व होता है उसके ऊपर ये आज का पैराग्राफ है और ये पैराग्राफ जब आप पूरा पढ़ लेंगे तो आप देखेंगे आपकी वोकेबलरी क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं उसको ध्यान से सुनिए कैसे प्रनाउंस करते हैं तो सही से आपको बोलना आएगा मीनिंग समझ में आएगा ना ही वर्ड मीनिंग आपको सिर्फ नॉर्मल वर्ड मीनिंग समझ में आएंगे इन कॉन्टेक्स्ट कि उसको किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है वो भी आप सीखेंगे और साथ ही अगर कोई ग्रामर रिलेटेड uh, कुछ क्वेरी होगी तो वो भी मैं आपको बताती जाऊंगी साथ में टाइम मैनेजमेंट इज अ क्रिटिकल आस्पेक्ट ये एस्पेक्ट नहीं बोलोगे इसको ये है आस्पेक्ट टाइम मैनेजमेंट इज अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ अ स्टूडेंट्स लाइफ समय का प्रबंध करना एक बहुत ही गंभीर पहलू है एक विद्यार्थी के जीवन में गंभीर पहलू समय का प्रबंध करना इट इज अ स्किल दैट अलाउज इंडिविजुअल्स टू प्रायोरिटाइज टास्क एंड एफिशियंटली यूटिलाइज देयर टाइम टू अचीव देयर गोल्स पहले छोटे छोटे जो वर्ड मीनिंग्स है वो बता देती हूँ उसके बाद एक बार ट्रांसलेशन कर लेंगे बाद में स्किल कौशल अलाउस अनुमति देना इंडिविजुअल व्यक्ति प्रायोरिटाइज प्राथमिकता देना अब जैसे कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहले करना तो उसको बोलते हैं प्रायोरिटी बना लो कि पहले कौन सी चीज खत्म करनी है बाद में कौन सी करनी है तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर वर्क आपको प्राथमिकता देनी है चीजों को और उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है टास्क इस कार्य एफिशिएंटली कुशलता यूटिलाइज उपयोग करना अचीव हासिल करना गोल लक्ष्य तो आइए अब इसका मीनिंग समझते हैं इट इज अ स्किल टाइम मैनेजमेंट जो है वो एक स्किल है एक कौशल है दैट अलाउस इंडिविजुअल्स जो व्यक्ति को अनुमति देता है बताता है टू प्रायोरिटाइज टास्क कि कैसे कौन से कार्य को प्राथमिकता देनी है एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज देयर टाइम और ये भी बताता है कैसे कुशलता से अपने टाइम को अपने समय का उपयोग करें क्या करने के लिए टू अचीव देयर गोल्स अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए तो टाइम मैनेजमेंट एक कौशल है जो कि व्यक्तियों को बताता है अनुमति देता है अपने कार्य को प्राथमिकता देने के लिए और कुशलता से टाइम को टाइम को उपयोग करने के लिए और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए दैट इज वाई टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ पर्सन लाइफ इन अ स्टूडेंट लाइफ इन एनी बडीज लाइफ इन टूडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड अब ये देखिए टूडेज मैंने कल भी बताया था वीडियो में आप रोज ही एक पोस्ट करती हूं तो आप देख लीजिए ये जो है जो आप ऊपर एक कॉमा देख रहे हैं इसको बोलते हैं अप्रफी तो जो बताता है पोजेशन इन टूडेज वर्ल्ड आजकल की फास्ट पेस्ड वर्ल्ड तेजी से भागती हुई दुनिया में फास्ट पेस्ट वर्ल्ड वर्ल्ड है दुनिया और फास्ट पेस्ड है तेजी से भागती हुई दुनिया में स्टूडेंट्स ऑफन हैव टू जगल मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो विद्यार्थी होते हैं वो अक्सर कई बार उनको एक साथ संभालनी पड़ती है जगल मतलब जैसे आपने देखा होगा एक जो जोकर होता है सर्कस का वो बहुत सारी बॉल्स इकट्ठे उछालता है चार पांच बॉल और एक साथ ही मैनेज करता है उसको संभालता है उसको बोलते हैं जगलिंग वहीं से ये वर्ड आया है तो विद्यार्थी को भी बहुत सारी चीजें जगल करनी पड़ती है एक साथ संभालनी पड़ती है मल्टीपल मीन्स कई कई सारी चीजें एक साथ संभालनी पड़ती है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिम्मेदारियां तो क्या संभालनी पड़ती है मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कई जिम्मेदारियां अब क्या क्या होती है विद्यार्थी के जीवन में जिम्मेदारियां सच एज अटेंडिंग क्लासेस कंप्लीटिंग असाइनमेंट्स स्टडिंग फॉर एग्जाम्स पार्टिसिपेटिंग इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड मेंटेनिंग अलफ ये तो बहुत सारी चीजें है जो एक विद्यार्थी को संभालनी पड़ती है तो एक, एक करके समझते हैं क्या क्या है वो क्लास अटेंड करनी है उसको ठीक है रोज स्कूल जाना है फिर अपने असाइनमेंट्स फिनिश करने हैं समय पर असाइनमेंट मतलब जो भी कार्य दिए गए हैं सौंपे गए कार्य है उनको पूरा करना है स्टडिंग फॉर एग्जाम्स परीक्षा के लिए भी पढ़ाई करनी है पार्टिसिपेटिंग भाग लेना है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो आपकी सीसीए एक्टिविटीज होती है स्कूल में उसको कहते हैं जो अतिरिक्त गतिविधियां होती हैं पढ़ाई के अलावा जैसे डिबेट हो गया पोएट्री हो गया और ड्रामा गेम्स हो गए बहुत सारी होती हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज स्कूल में तो वो भी उसको पार्टिसिपेट करना है और साथ ही साथ बनाए रखना है मेंटेनिंग अ सोशल लाइफ अपना एक सामाजिक जीवन भी तो जीना है उसको अपने दोस्तों से भी मिलना है स्कूल के दोस्त अलग है घर के पास भी रहते हैं तो एक सोशल लाइफ भी तो उसको जीनी है तो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इकट्ठे एक, एक साथ एक छोटा सा विद्यार्थी जगल करता है एक साथ संभालता है इसलिए टाइम मैनेजमेंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट कैन हेल्प स्टूडेंट्स स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अवॉइड Feeling, तो क्या चीज करके वो ये सब काम आराम से कर सकता है इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट असरदार समय का प्रबंध करके एक अच्छा सा टाइम टेबल बना के सारी की सारी एक्टिविटीज को प्रायोरिटाइज ये वर्ड आया था ना प्राथमिकता देके कौन सी जरूरी है किस टाइम तक फिनिश होनी है ये सब टाइम मैनेजमेंट करके स्टूडेंट स्ट्राइक का बैलेंस एक फ्रेज है बहुत ही अच्छी है आप इसको रोजमर्रा की जिंदगी में यूज कर सकते हो ही कैन ईजीली स्ट्राइक का बैलेंस मतलब संतुलन बनाए रख सकता है स्ट्राइक बनाए रखना बैलेंस जो होता है जैसे तराजू होता है उसको बैलेंस बोलते हैं तो वो आराम से बैलेंस बनाए रख सकता है ये सब काम आराम से निपटा सकता है अगर वो एक असरदार टाइम मैनेजमेंट अपने लिए बनाए टाइम टेबल बनाए ही कैन स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन किस चीज के बीच में वो संतुलन बनाए रख सकता है दीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन जिम्मेदारियों के प्रति एंड ऑल्सो अवॉइड फीलिंग टेंस और जब उसकी ये पहले से ही एक अच्छा सा टाइम मैनेजमेंट किया हुआ होगा उसने तो वो दूर रखेगा अपनी तनाव वाली भावनाओं को तो इसलिए इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है स्टूडेंट्स की लाइफ में अभी आगे बढ़ते हैं

प्रो इसका मतलब होता है दिए गए काम को बाद के लिए टालना या छोड़ना जैसे कि विद्यार्थी लोग अक्सर करते हैं क्या विद्यार्थी को ही क्या कहे बड़े लोग भी काफी टाइम करते हैं अगर उनको लगता है कि भाई ये तो बहुत ही मुश्किल है मेरे से इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा तो वो क्या करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है क्योंकि वो ज्यादा समय लेगा कंप्लीट होने के लिए तो उसको बाद के लिए छोड़ देते हैं उसी को बोलते हैं प्रो ये हैबिट से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है इसका मतलब है एक बार दोबारा सुन लीजिए दिए गए काम को बाद के लिए छोड़ना या टाल मटोल करना विच ऑफन लीड्स टू स्ट्रेस और इसकी वजह से क्या होता है अक्सर ये कारण बन जाता है लीड्स टू कारण बनना किस चीज का तनाव का एंड पुअर एकेडेमिक परफॉर्मेंस अब इसका भी सुन लीजिए प्रोनाउंसिएशन क्या है इट इज नॉट अकेडमिक इट इज एकडेमिकेडेमिक तो आप बोलेंगे कि ये तो एक तनाव का कारण बन जाता है अगर हम प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं और दूसरा क्या होता है पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस और हमारा जो शिक्षा के संबंधी प्रदर्शन होता है जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी बहुत बेकार होगा क्योंकि हमने तो काम ही नहीं किया है पूरा तो फिर हम कैसे सफलता की उम्मीद कर सकते हैं विथ प्रॉपर प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग स्टूडेंट्स कैन एलोकेट एडिक्वेट टाइम फॉर ईच टास्क लेकिन इससे भी एक तरीका है छुटकारा पाने का क्या कर सकते हैं प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं ढंग की योजना बना सकते हैं एंड शेड्यूलिंग एक अनुसूची बना सकते हैं अपने लिए लिस्ट तैयार कर सकते हैं टाइम टेबल बना सकते हैं स्टूडेंट्स कैन एलोकेट एडिक्वेट टाइम फॉर ईच टास्क जो स्टूडेंट्स है विद्यार्थी है वो एडिक्वेट पर्याप्त पर्याप्त टाइम को फिर से मैं वही वाला वर्ड यूज कर रही हूँ प्रायोरिटी के हिसाब से एलोकेट कर सकते हैं बांट सकते हैं कोई हो सकता है टास्क बहुत ही इजी हो कुछ मुश्किल हो ज्यादा टाइम लगेगा तो वो अपने प्रायोरिटी के हिसाब से टाइम को मैनेज कर सकते हैं बांट सकते हैं हर एक एक्टिविटी के लिए हर एक कार्य के लिए दस एंश्योरिंग दैट दे कम्प्लीट देयर असाइनमेंट ऑन टाइम और एंश्योरिंग सुनिश्चित कर सकते हैं कि वो अपना असाइनमेंट जो भी कार्य है वो टाइम पर कंप्लीट कर सके ऑन टाइम टाइम से कंप्लीट कर सके एंड प्रिपेयर वेल फॉर एग्जाम्स और अच्छी तैयारी कर सके एग्जाम्स के लिए परीक्षाओं के लिए भी तो ये ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है टाइम मैनेजमेंट दिस नॉट ओनली हेल्प इन अचीविंग बेटर एकेडेमिक रिजल्ट बट ऑल्सो हेल्प्स इन बिल्डिंग अ स्ट्रांग वर्क एथिक दैट कैन बी यूजफुल इन देयर फ्यूचर करियर्स अब एक और सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए जहां पर भी सेंटेंस में नॉट ओनली आता है तो उसका जो दूसरा क्लॉज होगा वहां पे बट ऑल्सो भी आएगा उसी सेंटेंस में अगर आप नॉट ओनली यूज करते हैं तो बट ऑल्सो भी यूज करके सेंटेंस को फिनिश करेंगे तो इससे क्या होता है ना ही सिर्फ ये अचीव करने में हेल्प करेगा प्राप्त करने में हेल्प करेगा एक अच्छी एकेडमिक रिजल्ट्स मतलब आपका जो रिजल्ट आएगा वो तो बहुत अच्छा होगा ही मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होगा और भी कुछ होगा उस वो क्या है हेल्प इन बिल्डिंग अ स्ट्रांग वर्क एथिक ये आप में पैदा करेगा एक अच्छी कार्य नीति बिल्ड करने का बनाए बनाने का ठीक है आप क्या कर सकोगे उसकी वजह से आप में बचपन से ही ये आदत हो जाएगी कि आपको एक स्ट्रांग एक शक्तिशाली कार्य नीति बनानी है दैट कैन बी यूजफुल इन फ्यूचर करियर्स और जब आप स्टूडेंट से बाद में कॉलेज में जाते हैं बाद में नौकरी में लगते हैं तो वहां पर भी आपको फ्यूचर करियर आपके भविष्य के जो व्यवसाय होंगे उसमें बहुत काम आएगा अगर आप बचपन से ही एफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट स्किल्स सीख लेते हैं मोर ओवर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स कैन हेल्प स्टूडेंट्स इन अदर आस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ्स और इसके अतिरिक्त देखो फायदे ही फायदे गिना रहे हैं यहाँ पे इसके अतिरिक्त मोर ओवर मीन्स इसके अतिरिक्त टाइम मैनेजमेंट समय का प्रबंध करना जो ये स्किल होती है कौशल होता है ये हेल्प कर सकता है स्टूडेंट्स को इन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ आप उन्हीं की जिंदगी के बाकी पहलू में भी उनकी मदद कर सकता है अब वो क्या चीजें होती हैं इट कैन हेल्प देम मेंटेन अ हेल्दी लाइफ स्टाइल बाय एंश्योरिंग दैट दे हैव इनफ टाइम फॉर फिजिकल एक्सरसाइज रिलैक्सेशन एंड सोशलाइजिंग अब वो उनकी हेल्प कर सकता है कि वो बनाए रखें एक स्वस्थ जीवन शैली हेल्दी स्वस्थ लाइफ स्टाइल जीवन शैली अब सिर्फ पढ़ाई तो नहीं करते रहेंगे ना बच्चे अब उनको खेलना भी तो है स्वस्थ जीवन शैली भी जीनी है और जितना लाइफ में पहले ये सब करें वर्क बैलेंस करे अपना खेल कूद भी करें तो ये अच्छा ही रहेगा उनकी सेहत के लिए तो इट कैन टाइम एफिशियंट टाइम मैनेजमेंट कैन हेल्प देन मेंटेन अ हेल्दी लाइफ स्वस्थ जीवन शैली जीने का बाय एंश्योरिंग दैट दे हैव इनफ टाइम फॉर फिजिकल एक्सरसाइज और एंश्योर करना सुनिश्चित करना कि उनके पास पर्याप्त टाइम है पर्याप्त समय है व्यायाम करने का भी और फिजिकल एक्सरसाइज ये नहीं है कि जाके आप सीधे जिम जाओगे या कोई एक्सरसाइज करोगे खेलोगे कूदोगे वो भी आपके लिए एक्सरसाइज तो है तो उसके लिए भी टाइम निकल पाएगा राम से रिलैक्सेशन अब ये भी है भाई खेल लिया थोड़ा पढ़ाई भी कर ली और फिर रिलैक्सेशन के लिए विश्राम बस आराम से बैठो और जा उसमें म्यूजिक सुन सकते हो कुछ भी अपनी एक्टिविटी कर सकते हो जिससे आपको रिलैक्सेशन मिलता है एंड आल्सो सोशलाइजिंग कोर्स आपके सिर्फ स्कूल के दोस्त थोड़ी ना आस भी तो हैं तो उनके साथ सोशलाइज करने का या अपने फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करने का रिलेटिव्स के साथ तो सब चीजों का टाइम मिल जाएगा अगर आप एफिशिएंटली अपना टाइम मैनेज करते हैं इन कंक्लूजन तो अब हम ये सारे का जब भी हम पैराग्राफ कोई पढ़ते हैं तो लास्ट में उसका एक जिस्ट उसका निचोड़ निष्कर्ष क्या निकला है वो जरूर उस पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि पूरा का पूरा समरी हो जाए उस पैराग्राफ की तो इन कंक्लूजन निष्कर्ष में हम कह सकते हैं टाइम मैनेजमेंट इज एन एसेंशियल स्किल दैट एवरी स्टूडेंट नीड्स टू मास्टर कि समय का अच्छे से प्रबंध करना एक बहुत ही जरूरी कौशल है जो कि सभी स्टूडेंट्स को सारे विद्यार्थियों को निपुण मतलब इसमें उनको निपुणता हासिल करनी है दे नीड टू मास्टर मतलब इसका मास्टर बन जाना है उनको इसको निपुणता इसमें हासिल करनी है इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट एक असरदार टाइम का प्रबंध करना हेल्प स्टूडेंट टू प्रायोरिटाइज देयर टास्क रिड्यूस स्ट्रेस एंड अचीव देयर गोल्स एफिशिएंटली तो अगर हम असरदार तरीके से अपना अच्छे से समय का प्रबंध करते हैं इससे स्टूडेंट्स को क्या होगा विद्यार्थियों को वो आराम से अपने कार्यों को प्राथमिकता दे सकते हैं उसकी वजह से उनका तनाव कम होगा रिड्यूस स्ट्रेस तनाव कम होगा एंड अचीव देयर गोल्स और अपने लक्ष्य को वो हासिल कर पाएंगे कुशलता से बस ये नहीं है कि वो सिर्फ भागते रहेंगे कि भाई मेरा काम पूरा होना है कुशलता से वो अपने लक्ष्य को टाइम पर हासिल कर पाएंगे बाय मैनेजिंग देयर टाइम इफेक्टिवली स्टूडेंट्स केन अचीव एकेडमिक सक्सेस एंड में हेल्थी बैलेंस बिटवीन देअर पर्सनल एंड सोशल लाइफ तो अगर विद्यार्थी अपने समय को असरदार तरीके से मैनेज कर लेते हैं स्टूडेंट्स कैन अचीव एकेडमिक सक्सेस तो वो अपने स्कूल में और शिक्षा संबंधी जो भी सक्सेस होगा वो तो उनको मिलेगा ही साथ ही वो मेंटेन कर सकते हैं एक स्वस्थ संतुलन किस किस चीज के बीच में बिटवीन देयर पर्सनल एंड सोशल लाइफ अपना पर्सनल निजी जीवन में भी और सामाजिक जीवन में भी इसीलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी के जीवन में और यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स लाइफ लिया था सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है प्लीज लाइक कर दीजिए शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और कमेंट में भी लिख के बता सकते हैं अगर आपको कोई टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए या फिर वर्ड मीनिंग भी साथ में पीडीएफ uh, चाहिए तो उसके बारे में प्लीज़ आप बताइए और अगले वीडियो में मिलते हैं टिल देन कीप लर्निंग कीप शाइनिंग थैंक्स फॉर वॉचिंग